सावन माह के चौथे सोमवार को भगवान ओमकालेश्वर और ममकालेश्वर दोनों ही नगर भ्रमण पर निकले हैं। सवारी पहुंची है घाट पर, जहां अभिषेक किया गया है और उसके बाद भगवान की आरती के बाद ही उन्हें नौका विहार करवाया गया है, जिसके बाद उनकी सवारी वापस आई है। तो वहीं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और भगवान ओमकालेश्वर की सवारी जहाँ से भी गुजरती है भक्तों का सैलाब उमड़ जाता है, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। नाम है आपका? विक्रम द्विवेदी नाम है। मैं गोरखपुर से आया हूँ जी, और मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ दर्शन करने के लिए जी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मैं स्टीमर के द्वारा घर गया, ओमकालेश्वर के दर्शन किया, फिर यहाँ बाबा के दर्शन किया। मंदिर व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, आप देखें साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से था, चेकिंग भी पूरी प्रॉपर तरीके से थी। ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं और भगवान बुलाएं तो हम हर साल आएंगे हमेशा। जय नाम, मेरा नाम देवेंद्र सोलंकी है जी, और श्री ममलेश्वर मंदिर ज्योतिर मंदिर का पुजारी हूँ जी। और कैसे विशेषता आज भगवान भोलेनाथ का डोला निकला है यहाँ पर? आज शाम 4 बजे श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर मंदिर की सवारी मंदिर से निकलकर जी भ्रमण करते हुए पुजारी और कर्मचारियों द्वारा की मदद से हम गोमुख घाट और ओमकारेश्वर मंदिर की सवारी उनके घाट पर पहुँच कर वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना और आरती करके फिर वहाँ से निकलकर नौका विहार करने के बाद श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की सवारी वापस अपने अपने स्थान पर पहुँची। अंजलि जोशी बताइए, भगवान भोलेनाथ की कैसे सवारी निकलती है? हमारे यहाँ प्रातः ममलेश्वर मंदिर से सवारी निकलती है, प्रस्थान करती है गोमुख घाट से, पूजा होके मतलब जल अभिषेक होके नौका यात्रा के पश्चात वह भ्रमण करती है जयपुर चौक तक।